हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस जो आज 18 जून सेकंड शिफ्ट को पेपर हुआ है, आज पूरा पेपर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ये पेपर उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका कल एग्जाम है। पेपर बहुत आसान था, बहुत ईजी है, चाहे जनरल नॉलेज हो, चाहे हिंदी हो, चाहे रीजनिंग या मैथ्स हो, बहुत ईजी था, बहुत क्वेश्चन ईजी। आप अगर इसमें नहीं कर पाए तो मतलब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए, इसमें मैंने पूरा पेपर कवर किया है और इसका सलूशन भी बताऊंगा। और ये अगर आपका कल एग्जाम है तो आप जरूर देखिए, पूरा पेपर बार बार सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। पहला, सबसे पहले आया था जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय वस्तुविद को 2018 में प्रिटिजर आर्टिचेक्ट पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा सी, यानी कि बालकृष्ण दोषी को। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी योजना की शुरुआत की गई। ये क्वेश्चन करंट अफेयर से है, राइट आंसर इसका बी होगा, गंगा हरितिमा। तीसरा भी क्वेश्चन करंट अफेयर से था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आंग सान सू की। अगला क्वेश्चन था कि ये भी करंट अफेयर से है कि भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल 2018 में स्वर्ण पदक किसने जीता। पूनम यादव ने जीता था, बनारस उत्तर प्रदेश से थी। अगला क्वेश्चन है डेज और डेज से, तो यह स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मिला मनाया जाता, 8 मार्च का, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर से है, तो इसका राइट आंसर है HDFC। अगला क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर से है, इसमें पूछा गया कि जो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है उससे कौन सा देश अपना त्याग दे दिया, तो इसका राइट आंसर फिलीपींस है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों से कौन सा वैष्णव जन को रचयिता थे। ये तुम्हारा क्वेश्चन हिस्ट्री से, यानी कि जनरल नॉलेज से है। अगला क्वेश्चन जो है, ये मानव शरीर के कौन सा भाग ऑस्टियोपेसिस से प्रभावित होता है, ये बायोलॉजी से है। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से कि किसने मगध राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बिंदुसार। और अब देखते हैं कि अगला क्या पूछा, योगोक्षेमय ब्राह्मच्य किसका आदर्श वाक्य, इसका आदर्श वाक्य बी, यानी कि राइट ऑप्शन LIC हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरुस्थल अलग करता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पाक जल डमरुस्थल। देख रहे होंगे कि आप क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अगर आपका कल पेपर है तो टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आप क्वेश्चन 150 क्वेश्चन है, इसमें से आप 140 आराम से कर सकते हैं, अगर 2 महीना भी पढ़े हैं अच्छे से। अगला क्वेश्चन है 13वां, ये है तुम्हारा हिस्ट्री से, पूछा गया कि 1962 में पुर्तगाल के राजा इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज में उपहार दिया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मुंबई ए। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय दार्शनिक विचारक 1893 में शिकागो में हुए विश्व आयुध धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है, तो ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए कि ये स्वामी विवेकानंद ने लिया था। अगला क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री से है, फिर है लेखक और उनकी पुस्तक का नाम, ये हरिवंश राय बच्चन मधुशाला। ये देख रहे हैं क्वेश्चन कितने ईजी हैं, ये पूरा आपका भी करंट अफेयर और GK चल रहा है। फिर क्वेश्चन है कि किस निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, इंडिया गेट। सभी क्वेश्चन जो भी पूछे जा रहे हैं एक के बाद सब बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा शीर्षक गोल है, बाईचुंग भुटिया एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये सिक्किम से हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम कहेंगे इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन यही है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन, सब जानते हैं, टिम बर्नर्स-ली, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर आपका हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन, फिर कृति और उनके लेखक से है कि चंद्र पृथ्वी पृथ्वीराजों में पृथ्वीराज चौहान की वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख किसने किया था, तो चंद्रवरदाई ने। अगला क्वेश्चन आपकी ये हिंदी भाषा से है, हिंदी भाषा हिस्ट्री से है। अगला क्वेश्चन, मथुरा कला विद्यालय की काल के अपने दौरान शीर्षक पर था, ये भी हिस्ट्री से है। फिर है इसी प्रकार देख रहे हैं कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया, सब हिस्ट्री से क्वेश्चन है अभी तक, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप पूरा पेपर आसानी से कर सकते हैं। हम आपको पूरा पेपर एक नज़र दिखा देते हैं कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन है। फिर डेटा बुक भारत के जानवरों वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ एवं लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेजी के स्थापित की राजकीय दस्तावेज को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं ब्लू। अगला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से है, फिर अगला क्वेश्चन फिर भी ये भी बायोलॉजी से है, फिर मानव में आवाज़ द्वारा उत्पादित ये भी बायोलॉजी से है,
फिर ये आपका क्वेश्चन ज्योग्राफी से बनता है या कृषि विज्ञान से कह सकते हैं, कृषि विज्ञान या ज्योग्राफी दोनों से है कि निम्न से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त किया जाता है। तो आप सभी को पता कि काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। अगला क्वेश्चन 35 कि निम्नलिखित से कौन सा जानवर भारत के स्थानिक, ये आपका क्वेश्चन जनरल नॉलेज से है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक, ये आपका जियोग्राफी से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम क्वालिटी का माना जाता है, ये जियोग्राफी से। एंथ्रेसाइट इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है निम्न में से पंजाब, ये है जियोग्राफी से। अब देखते हैं हिंदी, हिंदी भी बहुत आसान आया था। पहला क्वेश्चन है क्या आप घर भी आएंगे, वाक्य में रेखांकित पद में है तो आप एक सर्वनाम है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है, ये आपको बताना है। फिर वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित शब्द में धार्मिक क्या है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही क्वेश्चन इजी आए हैं हिंदी के भी। अगला क्वेश्चन हम आपको पूरा पेपर एक नज़र दिखा देते हैं हिंदी का भी कि उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, सही अर्थ इसमें युग्म बनाना है, पत्र शब्द का अर्थ नहीं है तो पंख नहीं है। अगला क्वेश्चन सदैव शब्द का संधि विच्छेद है, इधर आप देख लीजिए धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का सबको पता कहीं ठौर ठिकाना न रह जाना। फिर निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य इसमें छांटना सद्भावना शब्द में कौन सा समाज है आपको बताना है। फिर मुक्ति मनोहर मानस देखा पंक्त में कौन सा अलंकार आपको बताना है। फिर रस से बी रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो बी रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। फिर बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द में क्या उपसर्ग, प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है। वैज्ञानिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा, तो वैज्ञानिक शब्द में एक प्रत्यय शब्द लगा है। उसके बाद सबसे आसान हिंदी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना क्या इसका अर्थ है, ईद का चांद होना सबको पता है। पूरा पेपर हम दिखा देते हैं कि नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूँ, इस वाक्य का कौन सा चिन्ह लगा है, तो इसमें लगा है जो उद्धरण चिन्ह लिखा लगा, ये वाला है उद्धरण चिन्ह कहते हैं इसको, यानी कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सदा ही बहुजन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा आपको ये पूछा है। फिर आप ये देखते हैं ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से 5 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, क्वेश्चन ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के करना है। पैराग्राफ बहुत आसान थे, क्वेश्चन भी बहुत उससे आसान लिए गए हैं। आप ये पूरा पेपर देख लीजिए आराम से, मैं आपको एक एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ। फिर कहता है बच्चे का कमीज हिलाना वक्त करता है, बच्चे की सूझबूझ को, बेवकूफ़ी को, शरारत को, असावधानी को, इसमें से आपको राइट बताना है। ये जो क्वेश्चन है ये उस वाक्य से है, क्या नाम है ये जो मैं आपको दिखाया हूँ, कंप्रिहेंशन, इस कंप्रिहेंशन से हैं। तो आपको ये पूरा कंप्रिहेंशन पढ़ना है, आपको वहाँ से क्वेश्चन कर देना है। उसके बाद पूछा उर्वशी के रचनाकार कौन है, तो उर्वशी के रचनाकार सबको पता है रामधारी सिंह दिनकर हैं। गोदान किसकी रचना, अरे सबसे आसान पेपर का क्वेश्चन यही है कि गोदान किसकी रचना, प्रेमचंद की, सबको पता। अब आपको हम दिखा देते हैं एक नज़र न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मेंटल एबिलिटी, इसमें पूछा था पहला था सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन P=SI/PRT/100, इसमें आपको लगाना था बस। फिर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि पर 2 वर्षों के लिए निवेश प्राप्त की जाने वाली दर, यह तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट से है, इसमें CI/P×1+R/100-1 लगाना है इसमें फार्मूला आपको। उसके बाद ये रीजनिंग एबिलिटी से, थोड़ा मैंने फोटो खींचा तो इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, ये रीजनिंग से पूछा प्रॉब्लम फिगर से। आप देख सकते हैं कैसा प्रॉब्लम फिगर पीछा, बहुत ही आसान है। फिर मेंटल एप्टीट्यूड एवं रीजनिंग एबिलिटी दिखा देते हैं आपको। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्हिच वर्ड डज नॉट बिलोंगिंग विद द अदर, लिपस्टिक, इस लेरर, इस बो एंड साइबर, इसमें क्या है, ये इधर इंग्लिश में दिया है इधर हिंदी में दिया, तो आप अगर हिंदी भाषा हैं चूज किए तो हिंदी में कर सकते हैं, या फिर आपको इंग्लिश में आसान बैठता है तो किसी भी में कर सकते हैं, कोई आपको प्रतिबंध नहीं। देखा दें तो आपको पूरा पेपर बहुत ही आसान था। आप अगर जल्दी हो रहा तो आप क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, क्योंकि पूरा अगर बताएंगे हम आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर ये पूछा कि व्हाट इज 28% ऑफ 525, बहुत आसान क्वेश्चन, 147 इसका आंसर हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, 28/100×555 करेंगे। उसके बाद पूछा है व्हाट इज परसेंट आप 220/65%, तो इसको कैसे करेंगे, 220/100×65 इसको ऐसे करेंगे। उसके बाद बाई सेलिंग एन आइटम एट दिस प्राइस, स्मृति मेक्स अ प्रॉफिट 26%, व्हाट इज द प्राइस विच स्मृति परचेज द आइटम, यानी कि इसका कास्ट प्राइस निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस दिया तो इसका फार्मूला होता है कास्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस 100/100 प्लस
प्रॉफिट, यानी कि इसमें कैसे करेंगे, 693 गुणे 100 बटे 100 प्लस 26, आप इसको काट पीट के आंसर ले आएंगे, बहुत ही आसान है। फिर ये सिंप्लीफिकेशन से सवाल था, फिर ये भी सिंप्लीफिकेशन से सवाल है, फिर इसमें डिफरेंस निकालना है, तो इसको क्या करें, आप ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हुआ 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, यानी कि 13 में से 12 गया, कितना बचा, 1, नीचे समान है तो समान रहेगा 1/18, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप रीजनिंग से हैं, इसमें क्या नाम कथन और निष्कर्ष आपको निकालना है, आप आराम से पढ़ लीजिए पॉज करके, ये रीजनिंग से है, ये डायरेक्शन एंड सेंस से है, ये घड़ी से क्वेश्चन एक आया हुआ है, आप आराम से पॉज करके वीडियो हल कर लीजिए, ये भी रीजनिंग से है। इसमें सीरीज पूछा है, बहुत आसान है, 4 × 3 = 12, 12 × 36 = 36, 36 × 108 = 108, 108 × 324 और 324 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9 और 24 का हो जाएगा 4 × 12, आप 972 पहला ऑप्शन, बहुत ही आसान। अगला क्वेश्चन ये है कि कंसीडर द पेयर ऑफ द वर्ड एंसेस्टर एंड डिसीडेंट, व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर मोस्ट क्लोजली मैच द रिलेशनशिप, यानी कि पूर्वज और वंशज जिस प्रकार से रिलेटेड है उसी प्रकार से इसमें कौन सा, तो पूर्वज वंशज से रिलेटेड सुंदर आकर्षण, यानी कि राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से मुंबई महाराष्ट्र मुंबई से रिलेटेड उसी प्रकार तमिलनाडु, इन दिए हुए ऑप्शनों में से कैसे रिलेटेड, तो महाराष्ट्र क्या है मुंबई क्या है, मुंबई क्या है महाराष्ट्र की राजधानी, तो उसी प्रकार इसमें से चेन्नई देखे, चेन्नई क्या तमिलनाडु की राजधानी, यानी कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कंप्लीट द एनालॉजी, यानी कि जिस प्रकार से कलम और नोक रिलेटेड उसी प्रकार कॉकपिट किससे रिलेटेड, तो कॉकपिट किससे रिलेटेड है, एरोप्लेन यानी कि विमान से, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से, बहुत ही आसान, आप कर लीजिएगा। फिर है मितालियन जूलम इन्वेस्टेड दिस एंड दिस प्राइस बिजनेस, ये आपका प्रॉफिट एंड क्या नाम प्रॉफिट एंड लॉस से है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आराम से कर लीजिए। द एवरेज ऑफ 14, 31 एंड अदर नंबर इज 30, व्हाट इज थर्ड नंबर, आपको कैसे करना है, 14 + 31 + x / 3 = 30, यानी कि 14 + 31 + x / 3 = 30 जो आए आंसर हो जाएगा आपका। आप ये देख लीजिए, ये रीजनिंग से है, आपको बताना है ये इसमें से कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट हु पार्टिसिपेट इन द सर्वे, तो ये है टीवी, ये है रेडियो, ये न्यूज़पेपर, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ के आराम से कर लीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन ब्लड एंड रिलेशन से पूछा, ये वाला क्वेश्चन यानी कि रक्त एंड संबंध, ये भी आपका क्वेश्चन है एनालॉजी से पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन एनालॉजी से है। इस प्रकार से हम देखा देते हैं आपको पूरा पेपर, बहुत ही आसान था, अगर आपका कल पेपर, कोई डरने की जरूरत नहीं है, बस इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, अब ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत पेपर इजी था, आप 150 में से करीब करीब 130 तो अटेम्प्ट करके आइएगा ही, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है, क्योंकि पेपर बहुत आसान था। ये है आपका रीजनिंग, यानी कि इससे पूछा है फिगर को आपको पूर्ण करना है, तो कंप्लीट द फिगर, तो आप इसमें देख ले, देखिए ये यहाँ से कटा है, ये यहाँ से कटा है, ये यहाँ से, ये बीच में क्या सर्कल बन रहा, तो इसमें कौन सा सर बनाए, तो ऐसा दो यहाँ, ये अगर ये वाला उठाते हैं तो ये सर्कल, ये वाला यहाँ जाएगा तो सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ये कॉर्नर में जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, फिगर ए राइट ऑप्शन है इसका। इसी प्रकार ये भी नेक्स्ट बताना, इसमें नेक्स्ट क्या आएगा आप देख के कर लीजिएगा, इसमें भी बताना कि नेक्स्ट क्या आएगा, आराम से कर लीजिएगा। इसमें बताना है कि फूल गुलाब कमल अगर जिस प्रकार से रिलेटेड हैं तो वेन डायग्राम में कैसे, तो आप इसका राइट ऑप्शन ए हो जाए, कैसे हो जाए, देखो फूल क्या है, फूल एक गुलाब भी एक कमल है, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, फूल के अंदर क्या क्या आ सकता है, गुलाब भी सकता है, कमल नील कमल अलग है गुलाब अलग, यानी कि फूल के अंदर दोनों और दोनों अलग अलग, यानी कि ये बाहर वाला जो सर्कल है गोला है फूल का हो गया, अंदर वाला एक कोई गुलाब का एक कोई कमल का, यानी कि राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन आपको बताना कि नेक्स्ट कौन सा होगा, आराम से देख के कर लीजिएगा। इस प्रकार से हम आपको दिखा दिए पूरा पेपर, कोई डरने की जरूरत नहीं, पूरा पेपर बहुत ही आसान था,
आप ये वीडियो दो तीन बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर आपका कल एग्ज़ाम है तो, और करीब करीब 150 में से 130 तो हल करके आइएगा। इसी प्रकार कल का भी पेपर आएगा, फर्स्ट शिफ्ट वाला जो पेपर था वो भी इसी प्रकार था, बट वो मैंने नहीं डाला है, मैंने सेकेंड शिफ्ट वाला डाला है, आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एग्जाम फॉर्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यूपीपी से रिलेटेड और एसएससी सीजीएल रेलवे और यूपीएससी वीडियो ग्राम्य विकास अधिकारी से सभी रिलेटेड एक एक करके वीडियो लाऊंगा, जो कि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगे आपके लिए। तो अभी तक हमारा चैनल अगर एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं अगला वीडियो लाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।